हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल मेडी क्लीनर में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों को, मैं इसी तरीके की बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ और मैन्युफैक्चरिंग के ये सारे प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ आपको देता रहूँगा दिन पर दिन, और कोशिश करूँगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि अपने घर पर ही आप मेरे वीडियो को वॉच करके, देख कर सारे प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हैं। और जो बंदे अगर उनको मेरी वीडियो से समझ में नहीं आता है और वो पर्सनली मुझसे सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है जिसकी डेट है 16 फरवरी 2020। ये संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। जो भी मेरे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो यहाँ पर आ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, दिए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और बाकी की डिटेल्स मैं आपको उसी पर प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10 प्रोडक्ट जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, बेसिकली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हैंड वॉश, डिश वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट, वाइट फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, आला ब्लीच, नील और अपना पीएच बैलेंस। फ्रेंड्स, इन सभी प्रोडक्ट की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, ट्रेनिंग देने वाला हूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसकी डेट 16 फरवरी 2020 संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। तो फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट अपनी सीट्स बुक करा लीजिए, हमारे नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और जल्दी से फटाफट अपनी सीट्स बुक करा लीजिए फ्रेंड्स। कि दोस्तों, मैं देख रहा हूँ हमारे चारों तरफ आज बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली है फ्रेंड। जो भी आजकल के नौ युवक हैं, बेसिकली उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो कोई छोटी जॉब भी नहीं करना चाहते, किसी के नीचे लेबरी भी नहीं करना चाहते। तो उन लोगों के लिए फ्रेंड्स, मैं अपना इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ कि आप लोग मेरा ये वीडियो वॉच करके, देख कर, मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ जो डेली कंज्यूम होने प्रोडक्ट हैं, बेसिकली FMCG प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, क्योंकि ये डेली कंज्यूम होते हैं, डेली खर्च होते हैं और फिर से उनको लोगों को परचेज करना होता है। तो यही सारे प्रोडक्ट के मैं मैन्युफैक्चरिंग अपने चैनल से दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस समय भी बेरोजगार हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो आप मेरे चैनल पर आइए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना रखी है, आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, उसकी मार्केटिंग कीजिए, उसका व्यापार कीजिए और अपने लिए एक अच्छी अर्निंग जनरेट कीजिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाना सीखेंगे हार्पिक टाइप का बाथरूम क्लीनर। फ्रेंड्स, इस टाइप का मार्केट में आता है हार्पिक बाथरूम क्लीनर, इसी को बनाने का फॉर्मूलेशन आज मैं आपको सिखाऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, अपने घर से इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा कास्टिक सोडा, ये कास्टिक फ्लक्स है बेसिकली, जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसको कास्टिक फ्लक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। और जो हम अगला प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, ये है सोडियम हाइपोक्लोराइट, और जो इसके बाद हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये है SLES लिक्विड, बेसिकली सोडियम लॉरल एथल सल्फेट, और ये प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फ्रेंड्स, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और ये अगला प्रोडक्ट है BKC बेंजियम कोरियम क्लोराइड फ्रेंड्स, और ये अगला प्रोडक्ट हमारा है, ये है परफ्यूम, ये जो कि वाटर बेस्ड परफ्यूम है, और ये हमने पानी ले रखा है जो कि डीमिनरलाइज्ड वाटर है। तो इन्हीं सभी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम लोग बहुत ही हाई क्वालिटी का बाथरूम क्लीनर बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक बर्तन में कास्टिक को पानी के साथ डाइल्यूट किया है और इसको अच्छे से एक स्पून की हेल्प से डाइल्यूट करेंगे प्रॉपर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आहिस्ता से। फ्रेंड्स, इसको डाइल्यूट होने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है 2 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, अभी मैं ठंडा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं है। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वांटिटी मेजरमेंट आप जरूर चेक कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी क्वांटिटी मेजरमेंट दे रखी है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें पानी के बाद अब इसमें SLES डाल रहे हैं, जो कि सोडियम लॉरल एथल सल्फेट है, बेसिकली ये फॉर्म बूस्टर होता है, इससे कुछ मात्रा इसकी क्लीनिंग की भी होती है और
ये झाग बनाता है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। इसको आहिस्ता से आसानी से एक स्पून की हेल्प से हमको डाइल्यूट कर लेना है हमारे पानी में। ये देखिए मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा SLES पानी के अंदर डाइल्यूट हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम जो अगला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। फ्रेंड्स सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्चुअली में ये ब्लीचिंग एजेंट है और ये क्लीनिंग एजेंट है। इसको हम अपने सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। इसको बड़ा प्यार से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग को डाइल्यूट करना है। इसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करने जा रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस सॉल्यूशन में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है हमारी, और इसको अब हम अच्छे से प्रॉपर डाइल्यूट करेंगे एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से। फ्रेंड्स जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो हल्का सा झाग बनता है, क्योंकि वो रिएक्शन होता है आपस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अपना हाइपोक्लोराइड का, तब ये थोड़ा सा झाग बन जाता है फ्रेंड्स, कोई नहीं। अब हम लोग जो ये हमने कास्टिक सोडा की लई को कंप्लीट किया था रेडी करके, अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और इसको अच्छे से प्रॉपर डाइल्यूट कर लेना है बहुत ही आराम से फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। इसको मिक्स करते समय थोड़ा बहुत झाग बनता है, फॉर्मिंग आती है, बट कोई बात नहीं है। इसको जब आप रख देंगे 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद ये सारी फॉर्मिंग खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपका ये ट्रांसपेरेंट ये लिक्विड आपका रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए BKC यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसको हम 3% यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। इसका मेन रीज़न होता है, मेन यूज़ होता है आपके प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना, जो कि 1 से 1.5 साल तक आपका ये प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इसको अच्छे से हम लोग डाइल्यूट कर लेते हैं। BKC की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स बेंजियम कोरियम क्लोराइड, और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रॉपर डाइल्यूट कर लिया है। इसमें थोड़ी सी बहुत फॉर्मिंग आ रही है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत देर बाद सारी फॉर्मिंग खत्म हो जाएगी। जब इसको 2-3 घंटे के लिए हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे ना स्टे करके, तो सारी फॉर्मिंग ये खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर इसका किस तरीके से, ये पानी से काफ़ी थिक होता है फ्रेंड्स, जिस तरह का पानी होता है उससे ये थिक आता है, बनने में कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है बट पानी से काफ़ी थिक होता है गाढ़ा। अब हम इसमें परफ्यूम यूज़ करने जा रहे हैं प्रोडक्ट। ये परफ्यूम हम लोग फ्रेंड्स ये लेमन परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे या आपको जो पसंद हो फ्रेंड्स। और इस परफ्यूम को यूज़ करके हम लोग अच्छे से अब इसको डाइल्यूट कर लेंगे प्रॉपर फ्रेंड्स। ये हमारा बहुत ही हाई क्वालिटी का बाथरूम क्लीनर रेडी हो रहा है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल रखा है बाथरूम क्लीनर का, वो भी ठीक है बट उससे प्लस है ये, इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रेंड्स। ये बेसिकली ओरिजिनल फॉर्मुलेशन है बाथरूम क्लीनर का, जो कि हार्पिक का बाथरूम क्लीनर आता है रेड कलर का, सेम वही फॉर्मुलेशन है, उसी क्वालिटी में है, और उस क्वालिटी से ये 21 है। आप इस हमारे सॉल्यूशन को और जो हमारा हार्पिक का आता है सॉल्यूशन, उसको दोनों को जब आपस में कंपेयर करेंगे, यूज़ करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे दोनों की, तो इसमें हमारा ही प्लस में निकलेगा आपका जो क्लीनिंग का काम करता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम इसका डेमो टेस्ट लेने जा रहे हैं कि हमारी इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका क्लीनिंग का कैसा रिज़ल्ट है, क्लीनिंग करता भी है या नहीं करता है। आप लोग सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर फ्रेंड्स, हमने इसमें कलर यूज़ नहीं किया है कोई भी। एक्चुअली क्या होता है ना सर, जब जिस भी प्रोडक्ट में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जाता है उसमें आप कोई भी कलर ऐड करेंगे तो उसमें वो कलर विजिबल नहीं होगा, वो कलर उसी के अंदर एब्जर्व हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने इसमें कलर को यूज़ नहीं किया है। और जो हार्पिक टाइप का भी बाथरूम क्लीनर आता है वो उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ये वो ट्रांसपेरेंट ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करके दिखा रहा हूँ आपको क्या रिज़ल्ट होता है इसका, क्या नहीं होता है। आप लोग खुद सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे और इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसको साफ़ किया है, अब आप पहले में और अब में डिफरेंस देख लीजिए फ्रेंड्स। जो ये एरिया हमने साफ़ किया है और ये पीछे का एरिया देखिए कितना गंदा है, और जो एरिया मैंने साफ़ किया है इसकी आप क्लीनिंग देखिए फ्रेंड्स। जबकि मैंने इसमें कोई टाइम नहीं दिया है, जल्दी से फटाफट लगा के थोड़ा सा हमने ब्रश से साफ़ किया है, और आप क्लीनिंग इसकी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स
इधर गंदगी कितनी ज़्यादा है और इधर देखिए जितना मैंने ब्रश से साफ़ किया है उसकी कितनी सफाई आ गई है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत भी, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस नोटिफिकेशन बेल को हिट करके इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्सों दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, या जिन लोगों को इस नॉलेज की आवश्यकता है, जो कुछ करना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलते चलते वही एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने चारों तरफ रखिए साफ सफाई, अपना हमेशा ख्याल रखिए, और उससे ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं केवल और केवल उन्हीं की वजह से हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ज़िंदगी में जो भी आपके सपने हों, जो भी आपके ड्रीम्स हों, उस सारे के सारे पूरे हों, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलता हूँ। विश यू लॉट्स लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles in successing your life. Be happy with